Hello everyone. Hello kids. How are you all doing? So nice to see you once again, all of you. And it's really, really nice to see you. And really, I hope you all are good. Okay, kids. तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया. सभी लोग अपने घर में हैं. Be safe. एंड बहुत ठंड पड़ रही है तो प्रकोशंस बिल्कुल लीजिएगा. लाइक गर्म कपड़े पहनना है हमें, है ना, और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है. हमें पीना है थोड़ा थोड़ा लिकवॉर्म वाटर. ओके, तो थोड़ा सा ऐसे प्रकोशंस लेना और खाने बहुत सारे वेजिटेबल्स. और इस सर्दी में हमें अपना कम से कम 2 किलो वजन जरूर बढ़ाना है ना बच्चों. तो बहुत सारे वेजिटेबल्स जो भी आपके मॉम आपके लिए देती हैं तो वो खाया करिए. एंड आज हम अपनी क्लास में क्या बनाने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ हियर. आई एम योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर सोनिया एंड वेलकम टू फंडू क्लास, जहां पे हम करते हैं बहुत सारी क्रिएटिविटी. और आज जो है क्रिसमस का स्पेशल क्लास है और आप ही बच्चों के लिए है क्रिसमस स्पेशल क्राफ्ट जो है क्लास. और आज हम कुछ बहुत ही बढ़िया सा क्राफ्टिंग करने वाले हैं. मुझे पता है आप लोगों को क्राफ्ट में बहुत मजा आता है ना, इसलिए मैं बैक टू बैक आप लोग जो है क्राफ्ट के जो है स्पेशल क्लासेस लेके आ रही हूँ. और आगे भी बहुत सारे स्पेशल और बहुत ही क्रिएटिव क्रिएटिव से जो है क्लासेस हमारे होने वाले हैं. तो आज की क्लास में हम लोग ऐसा क्या स्पेशल सा बनाने वाले हैं बच्चों? मुझे काफी सारे बच्चे जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ स्टूडेंट्स अभी जुड़ने बाकी भी हैं और कुछ तो जुड़ भी रहे हैं. और मैं सबके फेसेस पे स्माइल देख रही हूँ यहाँ पे. सो आर यू गाइस रेडी विद योर मटेरियल्स? ओके, मटेरियल्स तो मैंने बोला ही नहीं. तो मटेरियल्स बहुत ही सिंपल मटेरियल्स हैं. हमें चाहिए कार्डबोर्ड पीसेस, जो कि वेस्ट ऑफ मटेरियल है, जो हमारे घर में इजिली अवेलेबल हो जाता है कार्डबोर्ड. और हमें चाहिए ऑयल पेस्टल कलर्स और कुछ कलरिंग पेपर लाइक व्हाइट एंड रेड एंड और थोड़ा सा कलर्स चाहिए लाइक व्हाइट पोस्टर कलर आप लोग यूज कर सकते हैं, वाटर कलर यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एक्रेलिक कलर. तो जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है आप वो कलर्स इसको यूज कर सकते हैं इस क्राफ्ट को बनाने के लिए, राइट? ठीक है, तो बहुत ही कम जो है मटेरियल से हम आज के क्राफ्ट को बनाएंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूट सा क्राफ्ट बनने वाला है आज का. तो आर यू गाइज रेडी? रेडी. सो मैं पहले तो बताऊंगी कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, फिर हम लोग जो है क्राफ्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी दिखाने वाली हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं. मेरे सामने ही रखा हुआ है, मैं देख पा रही हूँ, पर मुझे पता आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे. मैंने कैमरे को थोड़ा ऐसे ही रखा है कि आप लोग इसे देख ना सको, क्योंकि आधे बच्चे जो है ना कभी कभी मेरा क्राफ्ट यहाँ रखा रहता है जो मैं सिखाने वाली होती हूँ, लेकिन वो लोग देख लेते हैं और वो गेस कर लेते हैं. तो आज आप लोग गेस नहीं कर पाओगे, आज तो मैं ही आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, राइट? तो वो है ये क्यूट सा जिंजर ब्रेड मैन. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं इस क्यूट से जिंजर ब्रेड मैन को. और इससे बनाना बहुत ही इजी है हमें. देखिए जैसे कि मैंने ये बनाया है सिर्फ क्राफ्ट की हेल्प से, मतलब कार्डबोर्ड की हेल्प से. और इसका जो क्राफ्ट हम लोगों ने बनाया है, इसको जो बनाया है हमने, वो बहुत ही इजी टेक्निक से हम लोगों ने जो है इसको बनाया है, मतलब मैंने बनाया है. और वही टेक्निक्स मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि बहुत ही इजीली बन जाएगा और ये 3D लुक भी देगा. ओके, तो आप लोग एक चीज भूल जाते हो भाई कि आप लोग ना अपने अपने जो क्राफ्ट जो भी बनाते हो आप लोग, वो आप लोग सेंड करना भूल जाते हो फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर. तो फटाफट से रिमाइंडर एक बार ले लो कि आज जो भी बनाएंगे हम लोग वो सेंड जरूर करेंगे. कहाँ पर? ऑब्वियसली कहाँ पर? इंस्टाग्राम आईडी पर फंडू क्लास की. हाँ, तो बिल्कुल नहीं भूलना है कि नहीं? ठीक है, नहीं भूलना है ना, नहीं भूलना है, कोई भी नहीं भूलेगा. ओके, सो हम लोग जो है फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते, ज्यादा बातें ना करते हुए. एंड क्या मैं क्लास स्टार्ट करूं? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. सो किड्स, हम बनाने वाले हैं जिंजर ब्रेड मैन विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड पीसेस. सो आप लोग रेडी हैं? तो
तो सबसे पहले आपको चाहिए कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड का एक पीस, ओके। और इस पीस में हम सबसे पहले किसी भी आप इस तरह का, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टेप है, इस तरह से आप कोई कटोरी या कुछ और ले सकते हैं। और हमें करना ये है कि हमें एक जो है यहाँ पर सर्कल कट करना है, ओके ओके। सर्कल सिर्फ कट ही नहीं करना है, एक्चुअली हमें एक सर्कल सिर्फ यहाँ पे पहले ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, ओके। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम इसके नीचे भी एक और सर्कल यहाँ पर जो है ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो जस्ट यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहां से ऐसे, ओके। तो ये हमने एक सर्कल कट किया है और एक नीचे एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया है। तो आप लोगों को भी बस इतना ही करना है यहाँ पर। और इससे हम क्या करेंगे कि हम इसे कट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर। पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और फिर उसके नीचे एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया। तो जरूरी नहीं है कि वो सर्कल प्रॉपर पूरा बने, बस हमें एक अंदाजन एक बड़ा सर्कल उसके नीचे ड्रॉ करना है, उस सर्कल के नीचे, ओके। ऐसे हम इसे भी यहां से थोड़ा कट कर देंगे और इससे इस जगह से इस तरह से कट करते हुए आगे आएंगे। ये देखिए, ये मैंने कुछ इस तरह से इसे कट कर दिया है, तो ये तो हमारा जो है एक पीस कट हो चुका है कुछ इस तरह का। और ये इस साइड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इस साइड को ही यूज करने वाली हूँ। और अब हम क्या करने वाले हैं आगे, तो आगे हम करने ये वाले कि हमें एक और पीस चाहिए यहाँ पे, ओके। और एक और पीस से हम इसके पैरों को कट करेंगे। तो इसके जो पैर हैं, ये जो हमारा जिंजर ब्रेड मैन है, तो इसके पैरों के लिए हमें ड्रॉ करना है दो ओवल शेप जस्ट इस तरह से, तो दो ओवल शेप हमें चाहिए कुछ इसी तरह से, ओके। तो दोनों ओवल शेप को हम कट करेंगे सिंपली तरीके से, ये देखिए ये एक ओवल शेप हो गया। अब एक और ओवल शेप हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक और ओवल शेप भी कट कर दिया। वी नीड टू ओवल शेप्स फॉर मेकिंग लेग्स, ओके। एंड नाउ आई एम गोना स्टिक इट here and here, okay।
one stick here and one is here. ओके अब हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इसके स्केच पेन की हेल्प से. सो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक आउटलाइन इस तरह से इसके फेस के लिए. यहाँ पे ये इसका फेस है. ओके हमारे जिंजर ब्रेड मैन का. और यहाँ से हम बनाएंगे इसके हाथ. तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक लाइन बनाना है और ऐसे करके सी ड्रॉ करना है और कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे कर दें. ओके तो ये उसका एक हाथ बन गया है और दूसरा हाथ यहाँ पे ऐसे और ऐसे. ओके तो ये दूसरा हाथ भी बन गया है. इसे आउटलाइन कर दीजिए इस पूरी बॉडी को इस तरह से. यहाँ पे पैरों को भी आउटलाइन करेंगे. देखिए बहुत ही वेस्ट ऑफ मटेरियल से हम लोग जो हैं आज का क्राफ्ट बना रहे हैं. राइट तो आप लोग जो है जो भी बनाते हैं फंडू क्लास में वो आप लोग को सेंड भी करना रहता है फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर. ओके तो आप लोग जो भी बनाते हैं क्लास के साथ वो आपको शेयर भी करना है. तो ये हमारा जो है सबसे पहले तो हमारा जिंजर ब्रेड मैन का बॉडी स्ट्रक्चर तैयार है. अब हम बनाएंगे इसको थोड़ा सा शेडिंग देंगे थोड़ा सा इसको डेकोर करेंगे. तो किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत है इसके कैप को बनाने की. तो देखिए यहाँ पे मैं कैप किस तरह से बनाऊंगी. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें जो है कैप बनाने के लिए चाहिए रेड कलर का पेपर. और अगर आप लोगों के पास रेड कलर का पेपर यहाँ पर नहीं है तो आप लोग सिर्फ रेड कलर करके भी इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं एक रेड कलर का पेपर फिलहाल मैं यूज करूँगी. तो आप देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. हमें कुछ इस तरह से इसी के शेप का हमें रेड पेपर यहाँ पे कट करना है. ओके तो यहाँ पे देखिए कुछ हम इसको डी शेप में कट करेंगे. ये ऐसे ऐसे और यहाँ पे इसको अंदर से भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कट कर देंगे. ओके Now I'm gonna stick it here. Just add some glue here. And stick it here. Now we need a white color paper. White color का जो है हमें paper यहाँ पे अभी चाहिए. So simply आप लोग white color का paper यहाँ पे ले लीजिए. Okay? तो बहुत सारा व्हाइट पेपर हमें नहीं चाहिए, बस सिंपली हमें थोड़ा सा व्हाइट कलर का पेपर चाहिए. और अगर आप लोगों के पास व्हाइट कलर का पेपर नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं क्या व्हाइट कलर. ओके तो फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से फोल्ड करके एक कर्वी शेप दे रही हूँ. और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा ऐसा डी शेप बना रही हूँ जिससे कि जब मैं इसको स्टिक करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाए. ओके ओके तो फटाफट से कट कर लीजिए.
तो आई होप आप लोगों ने ये कट कर लिया होगा। अब हम करने वाले हैं कि इससे हम इस तरह से थोड़ा ऐसे ऐसे कट करेंगे। ओके, जस्ट सिंपली तो इस तरह से हम इसे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, जस्ट पूरी सभी तरह सभी जगहों से। ओके, क्योंकि इसी तरह की टोपी आई थिंक होती है ना, दैट्स व्हाई आई एम गोना कट इट लाइक दिस। एंड यू कैन सी ये कैसा हो गया है, और इसे हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्लू। एंड सी ये हो गया है स्टिक, और एक छोटा सा वाइट पेपर और चाहिए हमें, इसको भी हम इस तरह से सर्कल में कट करेंगे। ओके, और फिर से हम इस तरह से इसको जो है कट करेंगे, और इसे हम यहाँ पर स्टिक करेंगे, क्योंकि टैप जो हमारा जो कैप होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह का होता है ना। यस, तो ये कितना क्यूट लग रहा है इसका कैप। और अब हम कलरिंग करने वाले हैं हमारे जिंजर ब्रेड मैन को, तो फटाफट से इतना बना लीजिए, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी आगे जो हम बनाने वाले हैं। तो हम इसके हाथ में बनाएंगे एक जी शेप कैंडी, तो उसके लिए हमें रेड पेपर भी चाहिए, तो उसको भी ले लीजिए आप। और अब हमें चाहिए व्हाइट कलर पेपर, तो व्हाइट कलर पेपर से हमने ये बनाया और ये बनाया। ओके, तो अब हम बनाएंगे इसके फेस को, ड्रॉ करेंगे और इसकी आईज बनाएंगे। तो क्या आप लोग का इतना हो गया है, तो मैं आगे बताऊं, तो इसकी आंखें बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाट, ब्लैक कलर का पेपर। ओके, और ब्लैक कलर के पेपर के दो छोटे छोटे सर्कल्स चाहिए, तो आप चाहे तो इस तरह से ब्लैक कलर के वेस्ट पेपर को भी कट करके दो छोटे सर्कल्स निकाल सकते हैं। इस तरह से देखिए दो सर्कल्स चाहिए, कुछ सिंपली सर्कल्स। ओके, और मैं इन दोनों सर्कल्स को जस्ट यहीं पर जो है स्टिक करूंगी, एक यहाँ एक वहाँ, और दोनों को मैं ऐसे करके एक यहाँ एक जो है इस जगह पे यहाँ स्टिक कर दूंगी, जस्ट सिंपली लाइक दिस। और यहाँ पे हम इसका जो है फेस बनाएंगे ऐसे ऐसे के स्माइल। ओके, और स्माइल के नीचे हम बनाएंगे अगेन उसका माउथ, तो मैं फिर से यहाँ पे ब्लैक कलर का पेपर यूज कर रही हूँ, और इसे एक डी शेप में कट करूंगी मैं, क्योंकि छोटा सा ही पेपर चाहिए हमें, एक डी शेप में मुझे ये कट चाहिए। और इसे जो है मैं इसी जगह पे स्टिक कर दूंगी, जस्ट हियर। तो अभी तो ये और भी क्यूट बनने वाला है, बस आप लोग देखते जाइए और करते जाइए जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पे हम स्केच पेन की हेल्प से इसको ऐसे आईज के ऊपर एक लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से। और बनाएंगे इसके आईब्रोज इस जगह पे, एक यहाँ
और यहाँ बनाएंगे हम उसकी नोज। तो नोज के लिए मैं यूज करूंगी रेड कलर का पेपर, जो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पीसेस पड़े हुए हैं और मैं कभी भी छोटे छोटे पीसेस की जो है मैं फेंकती नहीं हूँ। सो आई एम गोना कट हियर अ नोज। फॉर मेकिंग नोज आई एम गोना कट हियर अ ओवली शेप एंड I'm gonna stick here this oval shape. Yes, just like this. तो ये देखिए, ये हमने कट करके इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया है नोज को। और अभी हम क्या करने वाले हैं आगे, हमें अगेन दो सर्कल्स जो है रेड कलर के, दो तीन सर्कल्स हमें और कट करना है। वो किस लिए, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये जो हम सर्कल्स यहाँ पे कट करेंगे, ये कुछ इस तरह से सर्कल्स होंगे और ये हम स्टिक करेंगे यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा इसके जो है कैप को डेकोर करने के लिए। तो अब आप लोग अपने अपने जो ऑयल पेस्टल कलर्स हैं वो निकाल लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे ऑयल पेस्टल कलर है और मैं यहाँ पे अभी इसको आगे करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी डार्क ब्राउन शेड, जो हमें अभी चाहिए। तो हमें सिर्फ अभी फिलहाल डार्क ब्राउन शेड चाहिए और एक और कलर चाहिए विच इज रेड कलर। तो रेड एंड डार्क ब्राउन शेड वी नीड। तो अब हम रेड कलर से क्या करेंगे कि मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो हमने इसका माउथ बनाया ना, यहाँ पे हम इस तरह से सी बना देंगे दोनों तरफ। और यहाँ पे हम ये जो रेड कलर है हम इसे ऐसे करेंगे थोड़ा सा यूं, और यहाँ पे यूं, और फिर इसे फिंगर की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसका जो चीक है वो रेडी रेडी रेड रेड क्यूट क्यूट सा बन जाता है ना। तो अभी तो ये सिर्फ थोड़ा सा ही क्यूट लग रहा है, अभी तो ये बहुत क्यूट बनने वाला है जब हम इसे थोड़ा सा पेंट करेंगे उसके बाद। तो ये देखिए, ये हमने इसके जो चिक को है ना बिल्कुल रेड रेड सा कर दिया है और ये जो है बहुत ही इसकी वजह से क्यूट सा लग रहा है। और अब हम लेंगे ये डार्क ब्राउन शेड और इसके कैप के यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डार्क ब्राउन करेंगे ऐसे, और फिर से हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो सेम प्रोसेस हमें इसके फेस के नीचे से करना है। ओके, जस्ट यहाँ पे हमें इस तरह से डार्क ब्राउन करना है और फिर थोड़ा सा इस तरह से हल्का हल्का करते रहें और फिर इसको हमें ऐसे करके इसको मिक्स कर देना है ऐसे। हम डार्क ब्राउन यहाँ पे भी करेंगे थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे इसको। और ये जो हमने हाथ बनाया है इसके हाथों के आसपास से भी इस तरह से डार्क ब्राउन करेंगे और अगेन इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे, और के हाथों के नीचे से भी इस तरह से जो है डार्क ब्राउन कलर करेंगे और फिंगर की हेल्प से इसे भी इस तरह से जो है मिक्स कर देंगे ऐसे ही। हम यहाँ पैरों पे नीचे नीचे जो है इसको डार्क ब्राउन शेड देंगे अच्छे से। पहले डार्क डार्क कर दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, थोड़ा नीचे, और फिर थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट। Now mix it. तो मिक्सिंग का मैजिक से तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है ये।
है ना, बहुत इजीली जो है ये कलर्स मिक्स हो जाते हैं। और देखिए ये कितना क्यूट, मतलब शेडिंग के बाद, आफ्टर शेडिंग ये लग रहा है, राइट। ये देखिए ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। और समथिंग ये कुछ इस तरह से, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा, तो हमें हर जगह पे थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का जो है शेड देना है। तो ये हमारा जो है शेडिंग का काम यहाँ पे डन है। थोड़ा सा फेस के इस साइड और उस साइड भी थोड़ा थोड़ा सा इसी तरह से हल्का हल्का शेड दे देंगे, थोड़ा सा इस साइड एंड थोड़ा सा इस साइड। तो देखिए हमारा जिंजर ब्रेड मैन का जो है शेडिंग कंप्लीट है यहाँ पर, है ना। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोर करेंगे हमारे जिंजर ब्रेड मैन को। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जे का, जे बनाने के लिए एक रेड कलर का पेपर, और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से हमें एक पीस ऑफ पेपर चाहिए, और देखिए कुछ इतना बड़ा हमें जे चाहिए, राइट। तो इसे हम यहाँ से इस तरह से एक जे शेप में कट करके निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे। और हमें अब कौन सा क्या चाहिए, हमें चाहिए कलर, वाइट कलर। ओके, तो व्हाइट कलर के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी पोस्टर कलर। और देखिए अभी जो काम है ना वो सिर्फ व्हाइट कलर का ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हाइट कलर, एंड इसे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा पेंट इस तरह से, कुछ हमें स्ट्रिप्स बनानी है। ओके, और अभी इसके बाद तो जो है कुछ ऐसा मैजिकल सा होने वाला है इस वाइट कलर से, वो आप लोग देखना, ठीक है। तो पहले तो इसको पेंट कर लीजिए इतना, और फिर हमें जो है इसको जस्ट यहाँ पे स्टिक करना है। ओके, क्योंकि इसने जो है अपने हाथ में इसको पकड़ के रखा है। तो देखिए ये जो है हम सिंपली इसको ऐसे भी स्टिक कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा दिखाऊं कि ये जो है इसके हाथों से निकल रहा है, राइट। तो मैं इसको क्या करूंगी कि मैं इसे यहाँ पे कट कर दूंगी यहाँ, और यहाँ से यहाँ पे स्टिक कर दूंगी पहले तो। जस्ट इस तरह से, और आधा हिस्सा यहाँ से निकलता हुआ दिखाएंगे, राइट। Just like this. Yes. तो आधा ऐसा हम इस जगह पे ऐसे स्टिक कर देंगे, like ऐसा लग रहा है ना कि ये जो है इसके हाथ से ही निकल रहा है। ये जो J शेप की कैंडी है वो जिंजर ब्रेड मैन के हाथ से ही निकला हुआ है, right? मतलब उसने हाथ में जो है पकड़ के रखा है। तो इतना फटाफट से बना लीजिए, क्योंकि अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा काम करने वाले हैं, और वो काम ये है कि हम बनाएंगे अब जिंजर ब्रेड मैन की आईज, एंड लिटिल डेकोर करेंगे हम उसको। ओके, तो आईज बनाने के लिए हम लेंगे व्हाइट कलर। तो आपने पहले तो आईज बना चुके हैं ब्लैक से, बट वो बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम व्हाइट कलर को लेंगे, और यहाँ पे हम दो स्पॉट्स बनाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ,
और फिर एक लाइन बनाएंगे यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। जस्ट लाइक दिस। ये देखिए उसका क्यूट सी आंखें, बिल्कुल क्यूट लग रही है ना। अब हम एक स्पॉट यहां बनाएंगे इसके नोज के ऊपर वाइट से, और एक स्पॉट यहां बनाएंगे, एक इस जगह पे थोड़ा सा, एक यहां पे। Isn't it cute? Now we will make some designs. तो हाथ में कुछ डिजाइन बनाएंगे इस तरह से zigzag zigzag की हेल्प से, जस्ट ऐसे ही। इस हाथ में भी पैरों में, एंड थोड़ा सा यहां पे फेस के ऊपर भी बना देते हैं। तो यहां पे मुझे तो जगह दिख नहीं रही है, तो आई थिंक ये इतना काफी है। ओके तो अभी हम और अब हम लास्ट काम करेंगे। अब हम लेंगे ग्रीन कलर, क्योंकि हमने जो ये इसके कैप पे छोटे छोटे से जो बेरीज बनाए हैं, इसको थोड़ा सा और डेकोर करने के लिए हमें यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए। और ग्रीन कलर से हम क्या करेंगे कि इस तरह से दो लाइंस बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इनमें से कुछ इस तरह से कुछ लाइंस बाहर निकालते हुए दिखा देंगे। तो ये देखिए कुछ इतना क्यूट सा हो गया ना ये। कुछ इस तरह से तो यहां पर जो है हमारा जिंजर ब्रेड मैन बिल्कुल ही बनके तैयार है। एंड कितना क्यूट है ये, सीरियसली बहुत क्यूट लग रहा है। और मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सीरियसली ना इस क्रिसमस को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाने वाला है ये जिंजर ब्रेड मैन। और आप लोगों ने भी आई होप बहुत अच्छा बनाया होगा, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने अपने आर्ट वर्क को जो है सेंड करिए, शेयर करिए फंडू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, मैं यही आशा करूंगी। और आप लोगों का क्रिसमस बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही क्यूट और बहुत ही खुशी और बहुत ही लविंग। तो आप लोग जो है इसे सेंड भी करिएगा, और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए कहिए अपने टीचर को बाय बाय, से बाय।